एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये हेयर कलर आपको कैसा लगा? तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको न्यू टेक्निक जिसमें आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। मैंने जो कलर चूज़ किया है वो चूज़ किया है मैट्रिक्स सो कलर का 7.37G। गोल्डन मीडियम ब्लॉन्ड ये कलर है और इसको मैंने चूज़ किया था। और किस पैटर्न से मैंने ये हेयर कलर किया है आके वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी प्राइमरी हेयर देख लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका जो हेयर कलर है वो डार्क ब्राउन कलर है और इन्होंने हिना भी किया हुआ है। तो जो हिना कोटेड हेयर होते हैं, इसमें आप कोशिश करें कि जो भी कलर दे वो थोड़ा सा रेड फैमिली से मिलता जुलता हो। तो सबसे पहले हमने इनका हेड वॉश किया है और हेड वॉश के बाद आप जैसा देख रहे हैं ब्लू ड्राइंग कर रहे हैं। अब बारी आती है कलर प्रिपरेशन की। तो जिसके लिए मैंने 40 वॉल्यूम का डेवलपर यूज़ किया है और मैं करूँगी प्री लाइटनिंग। तो मैंने यहाँ पे वेला का प्री ब्लॉन्डिंग पाउडर, जो वेला ब्लॉन्डिंग पाउडर होता है या फिर आप वेला ब्लॉन्डर कह लो, मल्टी पाउडर जो होगा वो यूज़ करूँगी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये और डेवलपर 40 वॉल्यूम मैंने यूज़ किया है। तो इसका जो रेशियो मैंने रखा है 1:1.5, 1 ब्लॉन्डर है तो 1.5 मेरा डेवलपर है। इसको मैं मिक्स करूंगी बहुत अच्छे से मिक्स करके, फिर हम इसको यूज़ करेंगे प्री लाइटनिंग के लिए। अब यहाँ बारी आती है सेक्शनिंग की। तो सेक्शन आप बिल्कुल प्रॉपर से देखिए, कई बार कमेंट आ रहा है कि मैम हमें सेक्शनिंग समझ नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन किए हैं, फ्रंट के 2 सेक्शन और बैक साइड के 1 सिंगल सेक्शन। जैसा आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं, फ्रंट का ईयर टू ईयर पार्टीशन है, मिड लेंथ से मिडिल पार्टीशन करना है और ईयर टू ईयर पार्टीशन करना है और बैक का पूरा छोड़ना है। बिकॉज जो हम करने वाले हैं फ्री हैंड पेंटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको हाफ लेंथ से नीचे, आप हाफ तक भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो मैंने हाफ लेंथ से नीचे, आप ये देखिए किस तरीके से मैं ब्रश चला रही हूँ, और इस तरीके से आपको ब्लॉन्डर या प्री लाइटनर अप्लाई करना है जो पेस्ट आपने अभी कुछ देर पहले बनाया है। तो ये देखिए, और क्योंकि नीचे हमको एक यूनिफॉर्म कलर चाहिए और बीच में हमको कलर ऐसा चाहिए अनइवन हो, मीन्स वो मिक्सिंग लगे हेयर कलर के साथ, जो नेचुरल आपका हेयर कलर है, ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर लाइन विजिबल हो। तो इसी तरीके से आपको देखिए, मैं पूरा एक सिंगल सिंगल सेक्शन उठा रही हूँ और बहुत ही आसानी से कलर प्री लाइटनर को अप्लाई कर रही हूँ। तो बैक साइड का आपको केवल एक ही सेक्शन में काम करना है, पूरे सेक्शन को इस तरीके से पार्टीशन करते जाना है और ये प्री लाइटनर अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं फॉइल रैपिंग नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगा। तो मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी पूरे सेक्शन पे। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए, देखिएगा कि जो आपका एप्लीकेशन हो वो बहुत ही प्रॉपर हो, बिकॉज एक यूनिफॉर्मिटी हो विजिबिलिटी में, नहीं तो अनइवन दिखेगा। तो ऐसे ही पूरे हेयर में बैक साइड का हेयर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं फ्रंट साइड के कैसे अप्लाई करती हूँ आप आगे देखेंगे। तो ये है एक नया टेक्निक जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, आपको जो भी रिक्वायर्ड लगता है वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए। और शैम्पू कंडीशनर की बात करें तो कलर के बाद वाले जो शैम्पू कंडीशनर हैं वो आप आज के वीडियो में देखेंगे मैंने कौन सा यूज़ किया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और जो भी बातें हैं वो पूरी की पूरी बातें मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हेयर कलर के लिए। तो इसी तरीके से पूरे हेयर में देखिए बैक साइड का लगभग एप्लीकेशन हो चुका है और अब चलते हैं हम फ्रंट में। फ्रंट में हम ये प्री लाइटनर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी समझिएगा। गाइज, मेरे पास कई बार मैसेज आ रहे हैं कि मैम
आप ये डिपॉजिट कहते हो उसका क्या मीनिंग है, तो ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, बट कोई बात नहीं, आप समझे उसको। डिपॉजिट मतलब किसी भी कलर को, आपके हेयर को कलर देना, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ कलर। कुछ टाइम तक हम, और जो उसका ड्यूरेशन आता है उस टाइम तक कलर को आपके हेयर में जो अप्लाई करके छोड़ते हैं, जो टाइम तक, जिस टाइम तक कलर आपके हेयर में डिपॉजिट हो जाता है, उसे करते हैं डिपोजिशन ऑफ कलर। तो ये बैक साइड जैसे देख रहे हैं आप कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी है फ्रंट में। तो फ्रंट के हमने किए हैं दो पार्टीशन, तो सेक्शन बाय सेक्शन हम ये प्री लाइटनर हेयर पे अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे फ्रंट के दो पार्टीशन हैं और पार्टीशनिंग में है। और ये एप्लीकेशन के लिए आप भी ज़रा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज एक एक बात इंपॉर्टेंट होता है। जब इसको आप अप्लाई करेंगे तो जो फ्रंट एरिया है वहाँ से थोड़े से लंबी लाइनें दीजिए और बैक साइड में थोड़े शॉर्ट दीजिए, ताकि लुक में जो होता है फ्रंट एरिया में एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। तो ये फ्री हैंड ड्राइंग है, आप कुछ भी क्रिएशन अपने हिसाब से भी कर सकते हो हेयर पे। बस ये है, इसमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो सेपरेशन कहीं नहीं नज़र आनी चाहिए और हर एक चीज़ इवन होना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं फ्रंट एरिया का मेरा राइट हैंड साइड कंप्लीट होने वाला है, और इसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आप विदाउट प्री लाइटनर भी कर सकते हैं। अगर आपके हेयर हिना कोटेड नहीं है तो आप डायरेक्ट कलर को भी ऐसी पैटर्न में, जहाँ पे हम प्री लाइटनिंग कर रहे हैं वहाँ के बजाय आप डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं। कलर को आप 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स कीजिए और यही पैटर्न फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए और 35 से 40 मिनट तक रखिए और उसके बाद रिंस कर सकते हैं। तो विदाउट, अगर आप चाहते हैं जो कलर अच्छे उसमें आए तो आप प्री लाइटनिंग ज़रूर करें। तो ये सेकेंड साइड भी अब मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और आप बात करेंगे कितने टाइम हमको इसको अप्लाई करके रखना है। तो मैंने रखा था 25 से 30 मिनट, बिकॉज इना कोटेड थे तो रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगा था। और इसके बाद हम करेंगे इस प्री लाइटनर को रिंस, और रिंस करने के बाद, यस मैंने शैम्पू किया था, शैम्पू करने के बाद हम करेंगे ब्लो ड्राइंग। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं ब्लो ड्राइंग कर रही हूँ, और ब्लो ड्राइंग के बाद, अच्छे से ब्लो ड्राइंग करने के बाद हम करेंगे कलर डिपॉजिट। इसके बाद अब हम कलर का प्रिपरेशन करेंगे, और आप प्रोसेस देखिएगा किस तरीके से हम कलर बनाएंगे। और ये जो कलर है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में यूज़ भी किया था, तो इसकी एक और वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस वीडियो। और ये है मैट्रिक्स सो कलर का 7.37G गोल्डन लाइट मीडियम ब्लॉन्ड। और जो ये कलर है इसके साथ हम, मैं यूज़ कर रही हूँ 20 वॉल्यूम का डेवलपर, और जो रेशियो रखूँगी 1:1.5 का रखूँगी। तो यह आधी ट्यूब मेरी पूरी यूज़ हो गई थी इस प्रोसेस के लिए। आप अकॉर्डिंग टू लेंथ कलर को यूज़ करें, और जब आपको कलर यूज़ करना हो उसी टाइम पे प्रिपेयर करें तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा ना करें कि कलर प्रिपरेशन करने के बाद रख दें कुछ टाइम के लिए। तो जो मेरे क्लाइंट के हेयर हैं अब उस पर हम कलर डिपॉजिट करेंगे, और प्रोसेस देखिएगा किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली कलर को मर्ज करना है अच्छे से, बिकॉज प्री लाइटन हेयर हैं और इसमें अब हम देने वाले हैं कलर। तो ये देखिए, आप ये काम शैम्पू सेशन पे भी कर सकते हैं। तो आप देखिए जहाँ से मेरी प्री लाइटनिंग हो रखी है उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगी मैं कलर को, बिकॉज एक सेपरेशन या सेपरेट लाइन नहीं नज़र आएगी, तो जो कलर है वो हेयर के साथ बिल्कुल मिक्स नज़र आएगा। तो इसी तरीके से आप कीजिएगा, और यहाँ पे आप दो कलर भी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर ग्लोबल कलर में दूसरे शेड्स ले लीजिए और नीचे अलग शेड भी ले सकते हैं।
तो क्रिएटिविटी आपके हैंड में है, आप किस तरीके से कलर को शो करना चाहते हैं या आपका क्लाइंट किस तरह से चाहता है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं पूरे कलर को इनके हेयर पे अप्लाई करूँगी। और एप्लीकेशन के बाद मैंने जो रखा है, इसका डेवलपमेंट टाइम है वो है 35 मिनट। तो 35 मिनट तक हमको वेट करना है एग्जैक्ट कलर आने का, और उसके बाद हम करेंगे शैम्पू और कंडीशनिंग। तो इसके बाद जो हम शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे वो है कलर प्रोटेक्टिव शैम्पू, वो भी मैंने मैट्रिक्स का कलर ब्लास्ट यूज़ किया है, आप देखेंगे वीडियो में। और आफ्टर कलरिंग आप यही शैम्पू कंडीशनर या लॉरियल का भी आते हैं वो यूज़ कीजिए, जिससे आपके कलर का रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और हेयर अच्छी कंडीशन में बने रहेंगे। तो ये देखिए लगभग बैक साइड के जो हेयर हैं उसमें मैंने कलर एप्लीकेशन कंप्लीट होने वाला है, और इसी तरीके से हम फ्रंट में भी करेंगे। तो जो आप बोलेंगे ऊपर के हेयर में हम कलर लगा रहे हैं उसमें केवल रिफ्लेक्शन आने वाला है, बिकॉज़ वो लिफ्टिंग नहीं करेगा, कलर को लिफ्ट नहीं करेगा आपके हेयर कलर को, केवल रिफ्लेक्टिव रिजल्ट देगा। तो हमारा जो कलर है उसके साथ अदर कलर मिक्स होते हुए आएंगे। बस ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, और इसके बाद हम रखेंगे 35 मिनट तक। ये देखिए 35 मिनट तक वेट करना है, और उसके बाद हमको ये कलर को रिंस करना है। रिंस करने के बाद हम करेंगे शैम्पू, और शैम्पू आप देखेंगे मैंने जो शैम्पू यूज़ किया है वो है मैट्रिक्स सो कलर का कलर ब्लास्ट शैम्पू, यही आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और शैम्पू करने के बाद कंडीशनिंग करनी है, आप मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं या कंडीशनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशनिंग किया है, बहुत अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, बिकॉज ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हेयर में। तो ऐसे ही आप देखिएगा ये कलर का रिजल्ट किस कितना अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इस कलर का। मेरी क्लाइंट बहुत खुश थी, और यस आप भी बता सकते हैं कि आपको कलर का रिजल्ट कैसा लगा, और यस ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज मैं कुछ न कुछ नया लेके आती रहती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया पैटर्न आपको बताऊँ जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और इसके बाद हम देखेंगे स्मूथनिंग की एक और वीडियो जो मैंने किया है सॉसकॉफ ग्लैड से, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, मेरी अपकमिंग वीडियो है। और यस इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस कि आपको ये रिज़ल्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ नया लेके आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।